आज ये राजस्थान सरकार मेरे किसान की पीड़ा नहीं समझ रही, मेरे किसान का दर्द नहीं समझ रही, मेरे किसानों के साथ ये गहलोत सरकार धोखा कर, झूठा वादा कर, तोती घोषणाएं कर कर मेरे किसानों के वोट लेकर आज ये राजस्थान विधानसभा की सत्ता हासिल की है और सत्ता के नशे में गहरी नींद में सो रही है, जबकि मेरा किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, फिर भी मेरे किसान के साथ ये अनदेखी की जा रही है। इस कांग्रेस सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, सत्ता के लिए ये कांग्रेस सरकार कुछ भी करने को तैयार रहती है और सत्ता हासिल करके रहती है। इधर मेरा किसान आज अपनी मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर एसडीएम उपखंड अधिकारी का गेट बंद कर सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इनकी सुनवाई करने पर नहीं आ रहा है। इसलिए अंत में किसानों को उपखंड कार्यालय का गेट बंद कर आज यहां धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस मांग को लेकर समर्थन मूल्य पर ये कांग्रेस सरकार ऑनलाइन नहीं कर रही, जबकि ये कांग्रेस सरकार पूरे राजस्थान में ढिंढोरा पीट रही है कि हम विकास की गंगा बहा देंगे, हम किसानों को मालामाल कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो आज किसान सड़कों पर बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी अफसर यहां पर सुनने को लिए नहीं आ रहा है। इसलिए आज किसान सरकार के खिलाफ नारे प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है।